जैसा कि आप देख सकते हैं, छोटे बर्ड के बर्ड फीडर में दो कबूतर फंस गए हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, छोटे बर्ड के बर्ड फीडर में दो कबूतर फंस गए हैं। ये दो छोटे कबूतर हैं, बड़े कबूतर इसके अंदर नहीं जा पाते। मैंने ये बनाया ताकि छोटी बर्ड्स जो है वो खा सके दाना, लेकिन दो छोटे छोटे कबूतर जो है दाना खाते खाते वो अंदर चले गए और फिर मैंने उनको निकाल दिया। उनको निकालता हुआ वीडियो तो मैं नहीं ले पाया, लेकिन थोड़ी देर के बाद एक और दूसरा छोटा कबूतर उसके अंदर चला गया। आइए हम उसको दिखाता हूँ, इसे निकाल कर आपको दिखाते हैं। मैं अपने बालकोनी में ढेर सारा बर्ड फीडर रखता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट साइज का, ताकि अलग अलग पक्षियाँ जो है वो खाना खा सके। पानी भी रखता हूँ, लेकिन ये कबूतर काफ़ी शरारती है। छोटे चिड़ियों के जो बर्ड फीडर है उसमें भी ये लोग खाने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करने के कारण ये कभी कभी अटक जाते हैं। चलिए अब हम इसको निकालते हैं। इसे काफ़ी आसानी से और सावधानी से निकालना होगा, नहीं तो ये खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं ये कबूतर। मैं इसके करीब जाकर इसे धीरे धीरे पकड़ने की कोशिश करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि ये एक हाथ से बाहर आ जाए। अगर एक हाथ से बाहर नहीं आ पाता तो मुझे फिर वो कैमरा रख कर मैं उसे दोनों हाथों से निकालूंगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ये काफ़ी अंदर तक चला गया है। एक हाथ से मुझे निकालने में इसे तकलीफ हो रही है। मैं अपना दोनों हाथ यूज करके मैं 1 मिनट कैमरा रखता हूँ और इसे अच्छे से निकालता हूँ। ये देख सकते हैं, इसे मैंने निकाल लिया है। ये बिल्कुल छोटा सा कबूतर है। इसकी पहचान ये है कि ये ब्लैक कलर का है। कबूतर के जब बच्चे होते हैं तो वो ब्लैक कलर के होते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो आप उनको काफ़ी रंगीन देख सकते हैं उनके गले के सामने, लेकिन ये एकदम छोटा सा बच्चा है। और ये बिल्कुल जंगली कबूतर है, मतलब ये पालतू कबूतर नहीं है, ये आज़ाद रहते हैं, इसलिए मैं इसे उड़ा दूंगा। ये रोज मेरे बालकोनी में सुबह और दोपहर को आते हैं, दाना खाकर फिर ये चले जाते हैं। और ये रहा, ये मैंने इसे उड़ा दिया, उड़कर चले गया बगल वाली बिल्डिंग में। और ये उड़कर चला गया काफी दूर। थैंक यू दोस्तों।